हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि हम हैं चंडीगढ़ में, तो आज हम घूमने जाने वाले हैं अपनी दी, जीजू, मम्मी, लव, दी के दोनों बच्चे और हमारे आदर पे। तो हम जाने वाले हैं आज सुखना लेक। चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ एक बेस्ट सिटी है और ग्रीनरी तो उसमें भर भर के है, तो काफ़ी अच्छा सिटी है देखने के लायक है। हम हर छुट्टियों में दी हमें बुलाती हैं, तो हम हर बार जून में जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुखना लेक के पहले भी ब्लॉग काफ़ी आ चुके हैं, बट फिर भी छोटा सा मिनी ब्लॉग हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, फिर वहाँ से पैदल हम जा रहे हैं सुखना लेक। तो यहाँ पर आप आकर कैमल राइड भी कर सकते हो, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। शाम के टाइम बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर। हाँ, बहुत सारे झूले हैं, बच्चे बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मम्मी थक गई थी तो दी उनको पकड़ के ले जा रही हैं। तो शाम का कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का सुखना लेक का, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जा रही हूँ मैं आगे, तो आप देख सकते हो जून का महीना है, गर्मी है, फिर भी यहाँ पे कितना रस है आप देख सकते हो। यहाँ आप कभी भी आओ, हम जनवरी में भी आए थे सुखना लेक, तब भी ब्लॉग डाला था, तब भी आप देख सकते हो हमेशा ही यहाँ यहाँ पे ऐसे ही रस रहता है। तो यहाँ पे मैं ज़रा सी दूर क्या हूँ और मेरे लव मुझे ढूंढने लग जाते हैं, तो मैं बस आ गई और बोला मैं यहाँ पे हूँ। तो बस जैसे ही मैं आ गई, मेरे लव के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो यहाँ पर लमोनल के पोज हो रहे हैं जो कि हमेशा होते हैं। उसके बाद थोड़ी सी रात हो गई, तो रात में कुछ ऐसा नज़ारा है, फिर भी लोग देखो बैठे हुए हैं यहाँ पर। 9-10 बजे तक आराम से लोग बैठते हैं, वॉक करते हैं, नज़ारे का मज़ा लेते हैं। तो वही रात के नज़ारे में भी बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप चंडीगढ़ आओ तो सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, जैपनीज गार्डन, ऐसी बहुत सारी जगह हैं चंडीगढ़ में जहाँ आप घूमने जा सकते हो। हम तो हर बार आते हैं, हर बार घूमने जाते हैं। और चंडीगढ़ के पास भी बहुत सारी जगहें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, कि छोटे छोटे मिनी ब्लॉग आते रहेंगे। आप एक भी मिनी ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ से जाने का हो गया टाइम। इसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि हमें झूला झूलना है, वो भी जो भी बच्चों को करना था वो करा दिया हमने। उसके बाद यहाँ से चल दिया अपनी गाड़ी के पास। तो आप देख सकते हो रोड का नज़ारा भी आपको दिखाई देते हैं, पार्किंग का कुछ इस तरह का। तो हम आ गए हैं यहाँ से सीधे चंडीगढ़ के सेक्टर 17, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसका भी ब्लॉग हमने डाला हुआ है DM ब्लॉगर आगरा पे, अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लास्ट टाइम जब हम आए थे जनवरी में, तब यहाँ पे काफ़ी रौनक थी, बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा ये सेक्टर है, तो आप देखने लायक है, शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं, ये चंडीगढ़ का सेक्टर 17। आप यहाँ पे आ सकते हो, बच्चों के साथ खूब सारा एंजॉय कर सकते हो, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही अच्छा सेक्टर है ये, जो कि हम हर बार यहाँ पे आते हैं। तो ये है यहाँ का रात का नज़ारा, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हो तो। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी रील शूट की, और यहाँ से जाने के बाद हम जाने वाले हैं डिनर करने, तो आपको वो भी दिखाएंगे कि हम डिनर कहाँ करने वाले हैं। तो वो ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो हमने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना है। फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे डिनर ब्लॉग, और उसके बाद कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं वो भी आपको मिनी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DM ब्लॉगर आगरा।